हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो आज का जो वीडियो हमने होने वाला है, आज का जो व्लॉग होने वाला है, वो होने वाला है हमारा बाबा के पनकी दरबार का। पनकी आपने नाम बहुत सुना होगा, हनुमान जी का यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पे आज हम लोग दिखाएंगे, आज है दिन मंगलवार का और आज हम आप लोगों को हनुमान जी के कोशिश करेंगे दर्शन कराने की। और बस आज का टॉपिक अपना व्लॉग का यही होने वाला है। आज हम आप लोगों को हनुमान जी जो पनकी दरबार है यहाँ पे वहाँ पे लाए हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा हमेशा की तरह कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किए बिना मत जाना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में घंटी का ऑप्शन आ रहा होगा उसको भी दबा देना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे ब्लॉग्स को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस, कहना पूरा ब्लॉग देखो। तो गाइस, आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप हनुमान जी के पनकी दरबार आते हैं तो यहाँ पे आने के लिए आप लोगों को मैं एक तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन है, आप लोग एक बार ज़रूर से चेक कर लेना, वहाँ पे मैं आप लोगों को दे दूँगा यहाँ का पूरा एड्रेस, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ अगर आप आते हो और आप अपना कार या बाइक जो भी लाते हो, तो आप अगर यहाँ आते हो तो आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी मैं जब वीडियो को लास्ट में उस पार्ट को दिखा दूंगा कि किधर से आपको एंट्री लेनी है, किधर से आना है, बाकी एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो पीछे में गेट देख रहे हो, यही गेट है जहाँ से आप अपनी गाड़ियों को, बाइक को ले जा सकते हो। देखो ये बाइक जा रही है, जैसे कार आ तो आप कार दिख रही होगी, ये खड़ी हुई है कार, तो यहाँ पर आप आ सकते हो अपनी कार और बाइक को ले कर। बट अगर आप उधर से जिधर से मेन मंदिर का द्वार खुलता है, तो आप लोग सोचो कि बस यहीं से ही है, तो आप अपनी कार और बाइक को अंदर नहीं ला पाओगे, आप वहीं बाहर खड़ी कर दोगे। तो इस चीज़ का एक अच्छा रास्ता है, अगर आप अपनी कार और बाइक को अंदर तक ले जाना चाहते हो तो ये वाला गेट है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा कि आपको किधर से अपनी कार को और बाइक को लाना है। तो आप पूरा आगे का ब्लॉग देखो। अब आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ की जो स्टार्टिंग कैसे होती है हनुमान जी के मंदिर की, पनकी दरबार की। तो अब आप पूरा वीडियो देखो कि पनकी दरबार के बाहर कौन कौन सी दुकानें कैसी कैसी होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये हनुमान मंदिर दिख रहा है आपको और ये है इधर दुकानें। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि बाहर किस तरीके की प्रसाद की और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें मिल जाती हैं। और एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारे ढोंगी बाबा घूमते रहते हैं, तो उनसे भैया बच के रहना, क्योंकि वो बेफालतू में गले पड़ जाते हैं। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो। तो यहाँ पे देख लो कैसी किस तरीके की मार्केट रहती है। तो ये देखो, ये देखो, तो इधर से यहाँ से जो है वो मंदिर का मेन एंट्रेंस है एंड यहाँ पे आप प्रसाद और गाड़ियाँ लगा सकते हो। तो अभी लेते हैं पहले प्रसाद और फिर चलते हैं अंदर। तो ये गाइस मेन एंट्रेंस, आपको थोड़ा दिखा देते हैं। अब चलते हैं अंदर और दर्शन करवाते हैं आपको। Yeah.
आप लोगों को बता देते हैं, ये अभी कोविड की वजह से यहाँ पे इन्होंने बंद कर रखा है, वरना यहाँ पे परिक्रमा लगती है और यहाँ से आप निकलते हो। और ये है हनुमान जी के जो मूर्ति है पनकी बाबा की, उनके ठीक पीछे का जगह है। अब आप लोगों को अंदर का हम थोड़ा दिखा देते हैं कि अंदर कैसी यहाँ पे मतलब स्टॉल्स लगती हैं और प्रसाद वसाद कैसे मिलते हैं, तो वो पूरा अंदर का आप लोगों को दिखा देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो अंदर कितनी ज़्यादा जगह है, तो आराम से आप गाड़ी वाड़ी ला सकते हो। बाहर खड़ी करोगे चोरी होने का भी बहुत डर रहता है, वैसे तो बाबा का दरबार है और फिर भी अपनी सुरक्षा तो अपने हाथ ही होती है, तो आप अंदर ला सकते हो। एंड अब किधर से लाना है, किधर से क्या है, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा। पहले आप लोगों को अंदर का थोड़ा दिखा देते हैं कि कैसा कैसा खाने पीने की जगह जैसे कहाँ है। तो थोड़ा सा इस साइड आप जैसे मैं लाया हूँ जिधर से, इधर से अगर आप आते हो तो खाने पीने का आपको सामान मिल जाएगा। तो अभी आपको एक स्टॉल दिखा देते हैं। अब गाइज हम लोग चल रहे हैं बाहर, तो अब आप बाहर से देखना, पहले तो मेन ये देख लो, इधर से एंट्रेंस होती है अंदर हनुमान जी के मंदिर जाने की, और सामने दिखा देते हैं। और अब यहाँ से एग्जिट हम लोग ले रहे हैं, बाकी अभी आप लोग क्लियर हम दिखा देंगे। ज़्यादा जगह है यहाँ पे, आराम से आप गाड़ियाँ चला सकते हो, तमाम गाड़ियाँ यहाँ आती हैं। और सबसे आखिरी गेट है जहाँ से आप लोगों को एंट्री लेते हैं। ओके, तो अभी मैं पूरा आप लोगों को स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। तो गाइस जब आप लोग यहाँ आओगे, मंदिर आओगे, तो इधर से आओगे, ठीक है, इधर से आओगे और ये है मंदिर इधर को। तो अब यहाँ से दिखाते हैं, जब आप एंट्री लेते हो ना अंदर आने के लिए पन की जगह, तो यहाँ पर आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या कहते हैं मंदिर की स्टार्टिंग दिखेगी। तो अब यहाँ से आप लोगों को दिखाते हैं। इधर का दिखाना है। तो गाइस यहाँ से है मंदिर की स्टार्टिंग, आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग है। तो ये आप लोगों ने देखा, यहाँ से मंदिर की स्टार्टिंग होती है और ये आता है, ये जो आगे तिराहा आता है, यहाँ से आप इधर ले लो लेफ्ट एंड लेफ्ट, जैसे ही लेते हो तो आपको पहला गेट, अब ये है दूसरा गेट। और आप देख सकते हो गाड़ी बाहरी सबकी खड़ी है, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होता है कार और बाइक खड़ी अंदर ले जाने का रास्ता मेन कौन सा है। तो ये दूसरा गेट था, अब पड़ेगा तीसरा गेट। तो ये देखो ये पड़ रहा है तीसरा गेट, और यहाँ से भी एंट्री नहीं होती अंदर जाने की,
देखो बाहर गाड़ियां ही खड़ी हैं, आप देख सकते हो। और अब जो पड़ेगा वो पड़ेगा चौथा गेट, तो चौथे गेट से ही आपकी एंट्री होती है अंदर मंदिर में जाने की। तो ये देखो, अब यहाँ से आप आराम से अपनी कार को बाइक को ले जा सकते हो अंदर। एंड यहाँ से अब आपको जाना है सीधे, वो देखो वो मंदिर दिख रहा है, तो वो देखो वो मंदिर दिख रहा है। इधर से भी आप जैसे ऐसे घूम के जा सकते हो और इधर से भी जा सकते हो, ठीक है। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि किधर से आना है, कैसे आना है, मैंने आपको बता दिया है। चौथा नंबर गेट याद रखना, चौथे नंबर गेट से आपको एंट्री लेनी है और आप आराम से फिर अंदर आ जाओगे। फिर तो आप पता ही चली जाएगा आपको अंदर आके कि किधर से किधर जाना है। मंदिर का मैंने रास्ता दिखा दिया, दर्शन भी आप लोगों को करवा दिए हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो बस तो लाइक शेयर कमेंट किए बिना मत जाना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में घंटी का ऑप्शन आ रहा होगा उसको भी दबा देना, एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स फैमिली ब्लॉग को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस ये पूरा ब्लॉग देखने के लिए, एंड सीताराम।